शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुझे पता भी है तेरी इस हरकत की वजह से वहाँ मम्मी पापा और यहाँ बाकी सारे लोग कितने परेशान हैं। मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पर आऊंगी, तुझे समझाऊंगी और तू समझेगी, लेकिन नहीं। तुझे पता है मैं यहाँ सचमुच अपनी बहन को सॉरी बोलने आई थी। तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैंने जो तुझ पर हाथ उठाया ना, उसके लिए मुझे कितना पछतावा हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे हैरानी है इस बात की कि तू अपनी बात रियलाइज नहीं कर रही है, उल्टा कभी मुझ पर या कभी दूसरों पर ब्लेम डाली जा रही है। कीर्ति, तुझे चाहे कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन जब जब मुझे लगेगा कि तू गलती कर रही है, तुझे रोकने वाली सबसे पहले तेरी दीदू होगी। और गलत चाहे कोई भी क्यों ना कर रहा हो, गलत हमेशा गलत ही होता है, चाहे फिर वो मेरी बहन ही क्यों ना कर रही हो। श्रद्धा के दिमाग में चल क्या रहा है? वो कीर्ति को ये सब क्यों बोल के गई? और ये पुलिस स्टेशन से उसे फोन आया या नहीं, पता करना पड़ेगा। श्रद्धा बेटा, अभय के पापा के लिए भी एक थाली लगा दो, वो भी अब आते ही होंगे। हाँ जी। हम दोनों के बीच इतनी दूरी आ गई कि आज तो अपने भाई को अपने साथ बैठने के लिए भी नहीं बोलेगा। आओ बैठो। इस ब्रांड की ब्लैक शर्ट तेरी फेवरेट है ना, तो ये देख, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट शर्ट लेके आया। श्रद्धा, तुम्हें पता है जब मैं पहले अभय को उसकी फेवरेट शर्ट गिफ्ट करता था ना, तो उसका गुस्सा यूं गायब हो जाता, और आज देखो। देख अभय, मैं हमारे सारे पुराने झगड़े भूलना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, जैसे भी हालात थे, वो हम दोनों के लिए ही आसान नहीं थे, लेकिन उन झगड़ों की वजह से जिंदगी भर के रिश्ते टूट तो नहीं जाते ना। श्रद्धा, तुम ही समझाओ अपने पति को कि भाई से इतने दिन नाराज नहीं रहते। भाई बहनों में झगड़े तो होते ही रहते, तुम तो समझती होगी ना। वरुण, झगड़ा अलग बात है, लेकिन कौन अपने भाई को पूरे परिवार के सामने मारने पे उतर आता है? और वैसे भी अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते हो? वरुण, जैसा चल रहा ना उसे वैसा ही चलने दें। अब मेरा मन नहीं है इस रिश्ते को पहले जैसा करने का, और ऐसे भी इस रिश्ते में पहले जैसा कुछ बचा ही नहीं। अबे रुक, चल ठीक, तेरा मन नहीं है ना तो नहीं सही, पर क्या आज अपने भाई से गले भी नहीं लगेगा?
हम साथ साथ फिल्म चल रही है, यहाँ पे क्या बात है। ओहो, हमारे घर के करण अर्जुन तो आ भी गए और मिल भी लिया। चलो इस भरत मिलाप पे एक अच्छी सी फोटो तो बनती है। स्माइल, हंसो। आज मैं तुझसे एक वादा करता हूं, चाहे दुख हो सुख हो, हमेशा मैं तेरा साथ दूंगा। याद रखना, जिंदगी में अगर कोई भी मुश्किल आई ना, तो तेरा ये भाई हमेशा तेरे लिए खड़ा रहेगा। चल अब चलता हूं। श्रद्धा, एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? हाँ। श्रद्धा, कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो तुम अब थोड़ी परेशान लग रही थी तो मैंने सोचा पूछ लो। श्रद्धा, वो मैं जानता हूं कि उस रात को जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लिए आसान नहीं था, पर ये उम्मीद करता हूं कि अब तक वो सब तुमने अपने दिमाग से निकाल दिया होगा। ये आप अचानक से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अचानक का मतलब, कभी कभी तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि उस हादसे को तुमने अभी तक बुलाया नहीं। खैर, रात गई बात गई, अब उस रात के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। वो तुम्हारा पास था, अब तुम उसे भूल जाओ। हाँ, वो तो है, पर कभी कभी उसका कोई कॉल वॉल आया क्या? नहीं तो किसका कॉल? वो आई एम सॉरी, वो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। थैंक यू सो मच। अब चलो, अब मैं चलता हूँ। ऐसे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, कैसे पता करूं? ये वरुण जी क्या कहना चाह रहे थे? जिस तरह से वो पूछ रहे थे बहुत अजीब था सर। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।